Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and let's start our today's session. So आज का जो session हम start करने वाले हैं वो genetics के साथ start करेंगे because genetics एक important topic है and इसका अगर total सब कुछ जाना है because आपको NEET के लिए preparation चाहिए, आपको PG entrances, MSc के entrances जितने भी है उसमें concept जानना चाहिए, तो मैं आज ऐसे way में आपको पढ़ाऊँगी आप कभी ना भूलो, ठीक है? ईच एंड एवरी बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. मे बी हो सकता है कि ये सेशन हमारा फर्स्ट है, बट ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूँगी अप्रोक्सीमेट में हर दिन आपको कुछ ना कुछ आइडिया देने के लिए जेनेटिक्स के ऊपर एंड डिटेल जो आपने बुक में पढ़ने को मन नहीं करता, अकेले पढ़ने को मन नहीं करता, जेनेटिक्स समझ में नहीं आता, तो मैं डिटेल्ड आपको बताने वाली. सो स्टार्ट करते हैं. तो जेनेटिक्स ये जो टर्म आया है कहाँ से आया होगा? दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जीन. एक जीन वर्ड जो है उससे आया है जेनेटिक का टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स जो टर्म है किसने दिया? डब्ल्यू बैटिसन 1905 में. डब्ल्यू बैटिसन 1905 में ये टर्म मिल गया. स्टडी ऑफ जेनेटिक्स मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. दैट मीन्स हेरिडिटी मीन्स द कैरेक्टर हु इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. वेरिएशन ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स समटाइम्स म्यूटेशन ऑकर्स सडनली बाई एनी वे एनी चांस म्यूटेशन हो सकता है. दैट म्यूटेशन किस लिए हो सकता है? कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई भी अगर चेंजेस आता है सो उसके अकॉर्डिंग अगर स्पीसीज एडाप्टेशन करने के लिए ट्राई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है. दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस. आफ्टर दैट हेरिडिटी इसको हम लोग बोलते हैं ना बिगेट्स लाइक. ओके एंड सेम टाइप के होना इसको हम बोलते हैं बिगेट्स लाइक. दैट मीन्स मेरे पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर्स हैं मुझ में भी कुछ कुछ सेम होंगे बिकॉज हमारे पास जो भी क्रोमोसोम आए जीन्स हैं वो पेरेंट्स ही ट्रांसफर हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. बट वेरिएशन इज द डिफरेंसेस. मैं मेरे पेरेंट्स के कैरेक्टर से थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगी या फिर डेविएट आउट करूँगी. सो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है. उसके बाद चलते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी सेम वे में है. हेरिडिटी का ऑपोजिट सेंस में हम नहीं बोलेंगे, सेम लाइक जस्ट लाइक सिनोनिम्स होता है ना वैसे ही है इनहेरिटेंस. इसका भी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैन कैरेक्टर्स क्या है? What is characters? Characters means it is also known as traits. Traits which are present or assigned with the alleles. Particularly location में location हम लोग अभी तो बोल दे रहे हैं location है ये जगह पर मैं present हूँ तो location है. वैसे gene में जो location रहता है that is called the loci or locus. Locus singular है, plural में loci or loci or loci ऐसे बोल सकते. बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग चल सकते हैं लोकी. ओके अभी लोकी में क्या होता है ना कि वन और मोर कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एलिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ये जेनिटल है, जीनोमिक है, ड्यू टू जीन्स जो चेंजेस आते हैं वो हो गया आपका जेनिटल. सो जीन एक्सप्रेशन होता है. जीन एक्सप्रेशन जैसे आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल कंडीशन मे बी एक्सटर्नल इंटरनल. बॉडी के रिलेटेड कोई भी चेंजेस बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग एंड वी आर हैविंग ए मिनी एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरमेंट विद इन आवर बॉडी. आवर बॉडी इज ए क्लोज सिस्टम बट नॉर्मली द एनवायरमेंट इज एन ओपन सिस्टम बिकॉज इन दिस एनवायरमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर. So changes related to adaptation and adaptation leads to variation. उसके through development of characters होता है. Variation also leads various types of characteristics. Similarly the adaptation may also leads various types of characteristics arises. Due to this variation occurs. So variation differences within exist amongst the members of the same species. Suppose
because we are live in the same society. Okay, right. We are live in the same society. These are the persons we marked it as dot lines or dot points. Okay, suppose we are same. Suddenly environmental variation occurs due to the earthquake. So this area separated by half and that becomes two different area. Okay, after separation that becomes a two different area. So the species which are present inside the area try to adapt with that environment. Wo try kar लगना इस एनवायरनमेंट के साथ मुझे फिट होना है तो मुझे कैसे रहना पड़ेगा. सो ये एरिया में क्या हो गया ना, बहुत ठंडे आ गए तो ये एरिया में ऐसे लोग रह गए, तो इस एरिया में थोड़े से गर्म है, लोवेंट्स भी आते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हो गया. तो अभी जो चेंजेस आ गए ना, सो उस चेंजेस के वजह से ऐसा हो गया. उस चेंजेस के वजह से दो स्पीसीज बन गए. क्यों? ये स्पीसीज ठंडा सह पा रही, ये स्पीसीज गर्म सह पा रहे. सो ये बोल सकते हैं आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द आउटर फैक्टर्स ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो दैट सेम स्पीसीज भी डिफर कर सकता है एंड उनमें कैरेक्टर के वेरिएशन आ सकते हैं. अभी चलते हैं नेक्स्ट. वेरिएशन इज अ बेस ऑफ द इवोल्यूशन. उसके थ्रू क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. दैट मीन्स देखिए, अभी दो स्पीसीज बन गए ना, एक स्पीसीज से दो स्पीसीज बने ड्यू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वही बोला गया, मेंशन किया गया कि एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर क्यों आया, ड्यू टू एडेप्टेशन, जो चेंजेस आए, वेरिएशन आए उसके वजह से. अभी चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैन बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. जो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल होते हैं, टोटली आइडेंटिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्विन्स और क्लोन्स. बिकॉज उनके क्रोमोसोम से लेके वो सब कुछ सेम रहता है. बिकॉज ड्यू टू सेम क्रोमोसोम्स, उनके बॉडी में जो सेम क्रोमोसोम्स हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर जो भी जीन एक्सप्रेशन होते हैं वो भी सेम है, इसलिए ट्विन्स होता है. ट्विन्स हैं या क्लोन्स. अभी मैं इंफॉर्मेशंस हैं बहुत अच्छे से याद रखें. फादर ऑफ जेनेटिक्स जे मेंडल, दैट इज जॉर्ज जोहान मेंडल. सो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या था, जेनेटिक्स का फाउंडेशन बनाया था. सो जेनेटिक्स में जो मोनोहाइब्रिड हैं, डाईहाइब्रिड हैं, उनके अंदर प्रोसेस किया, F1 जेनरेशन, F2 जेनरेशन, सारे ऑफस्प्रिंग को लाए, एंड ऑफस्प्रिंग में कितना रेशियो में फॉर्मेशन होते, कितना पैरेंटल होंगे, कितना प्योर लाइन होंगे, या कितना न्यू कैरेक्टर्स के साथ आएंगे, वो सब कुछ उन्होंने बताया. दैट इज़ कॉल्ड जे.जी. मेंडल इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. वो कौन से प्लांट लिए थे, पी प्लांट, दैट इज़ अ पायसम सतिवम. ओके, उसके बाद आए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, डब्ल्यू बैटरसन. ठीक है, डब्ल्यू पैटर्सन क्या क्या टर्म्स दिए हैं हम बता रहे हैं. वो फर्स्ट तो उन्होंने जेनेटिक्स का टर्म दिया, सेकंड उन्होंने कैरेक्टर्स के ऊपर गए तो एलल्स के ऊपर टर्म दिए, एलल्स ये जो टर्म है उन्होंने दिया. होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस. होमो मीन्स इक्वल, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेमी मीन्स हाफ हाफ. सो उसके अकॉर्डिंग ये सारे कंसेप्ट भी चेंज हुए हैं एंड वो कंसेप्ट को भी उन्होंने बताया, बट उन्होंने ये टर्म्स भी दिया. ठीक है, अभी चलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को किसने डिस्कवर किया, टी एच मॉर्गन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स उन्होंने डिस्कवर किया था, सो उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था एंड उनका जो बुक था थ्योरी ऑफ जीन, एक बुक था, उनमें उन्होंने सारे कंसेप्ट को, एक्सपेरिमेंट्स को मेंशन किया था. थ्योरी ऑफ जीन. अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज को. सो उन्होंने क्या क्या टर्म्स दिए हैं, देखिए मॉर्गन ने क्या क्या टर्म्स दिए. लिंकेज, ये टर्म दिया, लिंक्ड जीन्स, दैट मीन्स लिंक्ड जीन्स कैसे, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्टिंग के टाइम में कुछ कुछ जीन्स ऐसे हैं लिंक्ड होके जाते हैं, सेम पोजिशन में, सेम लोकेशन में वो प्रेजेंट होते हैं. एंड यहाँ पे अगर पेरेंट बॉडी में सेम लोकेशन में है तो ऑफस्प्रिंग के बॉडी में भी सेम पोजीशन में वो मेंटेन रहेंगे, तो लिंकेज. देन सेक्स लिंकेज.
सेक्सुअल रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डिजीजेस होते हैं ना, डिजीज जो ट्रांसमिटेड होते हैं और STD जो डिजीजेस हैं, वो सब भी वैसे ही हैं, सेक्सुअल लिंकेज के थ्रू ही होता है. दैट इज़ द सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड डिजीजेस में उसे मेंशन किया जाता है. एंड और एक क्या टर्म दिया, रिकॉम्बिनेशन. ओके, रिकॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट जनरेशन ये जितने भी थे, दैट इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो फर्स्ट जनरेशन के हैं, J.J. मैंडल, दैन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, W. बेटेशन एंड T.H. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. अभी के टाइम पे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में आते हैं. सो ह्यूमन जेनेटिक्स किसने डिस्कवर किया, ए गैरोट. ठीक है, ए गैरोट ने फर्स्ट टाइम के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स को डिस्कवर किया. फर्स्ट जेनिटल डिसऑर्डर क्या था, जो फर्स्ट जेनिटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे भी मारे गए थे एंड उनके बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस भी हुआ था सडनली. सो वो है अल्टाप्टोनूरिया. ये फिनालाइन के वजह से होता है, फिनालाइन के इशू से या फिर लिंक्ड हो जाने से ये थोड़े से इशू आते हैं, अल्टाप्टोनूरिया. सो उन्होंने जो जिस बुक में इसको डिस्कवर किया था ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर, उस बुक का नाम है इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. उसके बाद एंड कंसेप्ट, वन न्यूटन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बेस्ट कंसेप्ट दिया था. दैट इज, एक म्यूटेंट जीन्स आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर सकता है, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, एक एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी जो जो चीज़ असाइंड है उसके वर्क को वो स्टॉप कर सकता है, उसके थ्रू बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सो उनके अकॉर्डिंग वेरिएशंस तो हमने पढ़ लिया, तो वेरिएशंस किसके अकॉर्डिंग होता है, दैट मीन्स वेरिएशन एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करता है, बहुत ही एग्जिस्ट करता है. एंड ये होता है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, बिहेवियर. मॉर्फोलॉजिकल मीन्स स्ट्रक्चर वाइज दे आर नॉट सेम. मॉर्फोलॉजिकल, एनाटोमिकल बॉडी वाइज इनसाइड द बॉडी दे आर डिफरेंट. सो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हम लोग जान गए, दैट इज़ अ डिफरेंसेस रहेंगे, वेरिएशंस रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. एनाटोमिकल मीन्स विद इन द बॉडी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें डिफरेंसेस रहेगा. फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, डाइजेशन में, यूरिन सिक्रेशन में, एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू में, जो जो ब्रीदिंग में, सबका डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है. दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट बोलूँ तो डिफरेंस, ये सारे का कंसेप्ट तो डिफरेंट करता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये चेंजेस होते रहते हैं. किसका ब्रीदिंग बहुत अच्छा तो किसी का बहुत ही कम है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है किसी में तो किसी में बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए चेंजेस होते रहते हैं. सेलुलर लेवल में भी बहुत लोगों का बहुत कुछ चेंजेस है, एक्स्ट्रा ग्रोथ रहता है, आउटग्रोथ्स हो जाते हैं. वैसा बिहेवियरल, ऑलवेज बिहेवियर तो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन वी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. सो हमारा बिहेवियरल चेंजेस भी है. उसके बाद चलते हैं, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट. वेरिएशंस हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ये एसेंशियल है. इससे ही क्या होता है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, न्यू जेनरेशन इवॉल्व होते हैं न्यू कैरेक्टर्स के साथ, इसके थ्रू इवोल्यूशन होता है. सो ये जो रॉ मटेरियल इवोल्यूशन को प्रोवाइड करता है ना, वो है वेरिएशन. वेरिएशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है आपका इवोल्यूशन को. नेक्स्ट आता है, ये जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन अगेन कितने टाइप्स के हैं देखते हैं. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. फर्स्ट वन इज अ सोमाटिक और सोमाटोजेनिक वेरिएशन, और एक है जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. सो सोमाटिक सेल में होता होगा तो सोमाटोसिस हम लोग मेंशन कर सकते हैं. सोमाटोसिस दैट इज़ अ ऑकर्स इन द सोमाटिक सेल्स. ठीक है, ये सोमाटिक सेल्स में होता है, इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं. दैट इज़ अ लार्ज एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं. नॉन इनहेरिटेंस दैट मीन्स इसमें
कोई नो रोल इन इवोल्यूशन, इसके थ्रू इवोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आते, बिकॉज इससे ओनली चेंजेस थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, बट इसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएंगे, बिकॉज दिस आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस सेल्स आर ओनली मेंट फॉर सपोर्ट एंड नरिशमेंट. अदरवाइज इसको छोड़ के जर्मिनल बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है इवोल्यूशन में, बिकॉज इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है. इसके थ्रू न्यू स्पीसीज जनरेट होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके थ्रू क्या होता है ना, इनहेरिटेंस होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, बिकॉज जर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस गैमिट्स. गैमिट्स से क्या फॉर्मेशन होगा, जायगोट्स फ्यूजन होके उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स आएंगे. सो ये जो सोमाटिक और सोमाटोजेनिक वेरिएशन है, ये ना फिनिसिस आफ्टर डेथ, ये डेथ तक चलते रहता है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा. फॉर बेटर सर्वाइवल, हमें सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत जो रीजनरेशन चाहिए या फिर चेंजेस चाहिए हमारे बॉडी में, उसको लीड करता है ये. सो सोमाटोजेनिक और द सोमाटिक एंड जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. ब्लास्टोजेनिक हमने क्यों मेंशन किया, बिकॉज मोरूला, ब्लास्टोला एंड गैस्ट्रोला, बिकॉज मोरूला से जब चेंज होता है, टोटिपोटेंट सेल फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है आपका ब्लास्टोजेनिक सेल. सो ब्लास्टोजेनिक सेल जब ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन कर लेता है, उसके बाद वो अंडरगो करता है 3 germ layer फॉर्मेशन. तो उससे पहले अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो वो लीड कर सकते हैं न्यू जेनरेशन विद अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. मेन रीज़न फॉर सोमाटिक वेरिएशन नॉर्मली ये लामार्किज्म ने प्रूव किया था, दैट इज़ इसका मेन रीज़न है कि एनवायरमेंटल जितने फैक्टर्स हैं, यूज़ एंड डिसयूज़. सपोज कोई ऑफस्प्रिंग का कोई विंग्स है, ठीक है, बट विंग्स यूज़ में नहीं आ रहे, तो क्या हो जाएगा, वो डिसयूज़ में चला गया, तो धीरे 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 रूडिमेंटरी हो जाएगा, फंक्शनलेस हो जाएगा. तो वही है, एंड ये कंसियस एफर्ट से ही होता है. मीन्स कुछ लामार्किज्म ने ये भी बोला था, अगर सपोज हम ये करते हैं, क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपने नेक को स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो मे बी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बट हमारा विंग्स जेनरेट नहीं हो सकता. सो ये बहुत सारे कंट्रोवर्सी के साथ था कि यूज़ एंड डिसयूज़ के ऊपर लामार्किज्म ने प्रूव किया था ये सोमाटोजेनिक है ना कि जर्मिनल. ओके, तो सोमाटोजेनिक सेल में जो भी वेरिएशन होगा, सोमाटोजेनिक वेरिएशन है. अभी आते हैं जर्मिनल वेरिएशन में, मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हैं. दैट इज़ द जो जर्मिनल वेरिएशंस है ना, अगेन ओवर टू टाइप्स के हैं, दैट इज़ द कंटिन्यूस एंड द डिसकंटिन्यूस वन. सो कंटिन्यूस जो वेरिएशन होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन मीन्स मोस्ट कॉमन, वो फ्रिक्वेंटली होते जाएगा, एंड डिसकंटिन्यूस रेयर टाइप है. मोस्ट कॉमन के साथ ये एवरी जनरेशन में सो हो ही जाता है, बट ये अपीयर करता है सडनली, जस्ट लाइक म्यूटेशन सडनली चेंज होता है, वही सडनली एनी जनरेशन में चेंज हो सकता है. ये स्मॉल चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकता है, एंड हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशन एवरेज कैरेक्टर्स में कोई कोई चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं. लार्ज एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, लार्ज एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, एंड इनहेरिटेंस होता है, दैट इज इनहेरिटेंस के थ्रू हो सकता है. कभी कभी मीन्स पेरेंट जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन तक में चेंजेस आ सकते हैं इनहेरिटेंस में. रोल इन इवोल्यूशन, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी हेल्प करता है, दैट इज़ अ हेल्प हैव इम्पॉर्टेंस इन रोल मेकिंग. दैट मीन्स इवोल्यूशन में जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनमें कैरेक्टर क्रिएट करने में हेल्प करता है ड्यू टू म्यूटेशन. और जस्ट लाइक कुछ कुछ सल्टेशन हो गया, या फिर जस्ट सिमिलर कुछ कैरेक्टर्स अपीयर हो गए, या फिर डिसिमिलर कैरेक्टर्स अपीयर हो गए, तो सडनली कोई भी चेंज आया ना, दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूस सडनली कोई, तो उसके अकॉर्डिंग जो सल्टेशन है और म्यूटेशन है, अगेन हमने यहाँ पे रिलेटेड टू देयर चेंजेस यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज़ अ सबस्टेंटिटी, सबस्टेंटिटी एंड मेरिस्टिक. मेरिस्टिक दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन नो नो ग्रुप नो अपीयरेंस. यहाँ पे अपीयरेंस बहुत ही रेयर होता है, बट यहाँ पे क्या होना, रिलेटेड चेंज इन अपीयरेंस. कभी कभी अपीयरेंस में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे चेंज नहीं होता, रिलेटेबल नहीं है. चेंजेस हैं, बट रिलेटेबल चेंजेस नहीं है, यहाँ पे रिलेटेबल है.
सो आई होप इतना समझ पाए। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, जो पॉजिटिव आप नेगेटिव आपने सोचा, देखिए एवरेज हाइट हमने यहाँ पे देखा है। सो एवरेज हाइट में 5'6" एवरेज हाइट होता है ह्यूमन बींग्स का, जो भी न्यू जनरेशन में है। सो मे बी क्या होता है ना, समटाइम्स ये नेगेटिव में चला जाता है, समटाइम्स ये पॉजिटिव में भी जा सकता है। पॉजिटिव मीन्स उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही लंबे लंबे हैं, बट उनके ऑफस्प्रिंग जो है नेक्स्ट जनरेशन वो थोड़े से हाइट कम में आए, तो वो भी हो सकता है शॉर्ट हाइटेड है। सो हम लोग उसको डार्विनिज्म के थ्रू प्रूव किया गया है। इसको डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन में ये बोला गया कि हमेशा जर्मिनल वेरिएशन सो हो सकता है। इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एंड रेंडम मैटिंग। रेंडम मैटिंग एंड क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही ये चेंजेस आते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। रैंडम मैटिंग मीन्स दैट इज हमने कोई प्लानिंग के थ्रू नहीं किया, कोई भी किसी पर्सन के साथ मैटिंग कर सकता है। इन केस ऑफ जो ह्यूमन ब्रीडिंग है या फिर एनिमल ब्रीडिंग है या फिर प्लांट ब्रीडिंग है, हो सकता है। तो उस प्रोसेस में ऐसे हो सकता है, कभी कभी बहुत हाइटेड वाले हो गए, कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड हो गए। सो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू भी जो जीन आते हैं, जो जीन ट्रांसफर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और चेंजेस आ सकते हैं, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नॉर्मली मियोसिस स्टेज में होता है, मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में ही होता है, एंड जो उसके 5 स्टेजेस है प्रोफेज 1 के, उसी स्टेज में होगा, सब स्टेजेस में ही होगा। एंड क्रॉसिंग ओवर जो स्टेज में होता है, दैट मीन्स ये जो क्रॉस्ड वन नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमाटिड्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, उसी टाइम अगर कोई ब्रेकेज हो गया या फिर नॉर्मली ब्लॉक्ड हो गया जीन, या फिर कोई भी क्रॉसिंग ओवर प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, तो उसके वजह से ये चेंजेस हो सकते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएशन ये शो करते रहता है। सो सबस्टेंटेटिव एंड मेरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन अपीयरेंस, दैट मीन्स अपीयरेंस मीन्स शेप साइज कलर हाइट वेट हो सकता है। एंड रिलेटेड टू चेंज इन नंबर, दैट इज नो मीन्स नंबर, दैट इज नंबर्स में हम लोग चेंज करेंगे। सपोज वट एवर इन द गार्डन पी हमने लगा लिया, तो आफ्टर ग्रोइंग जितने भी सीड्स होते हैं हर एक ये में, हर एक पी के जो ये होता है पॉट्स होते हैं, उसमें सेम सीड्स नहीं रहते हैं। किसी में 5 हो गए तो किसी में 4, किसी में 7, किसी में 8, ऐसे हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ टेंटाकल्स, सपोज जो आपके साइकॉन्स हैं उसमें नंबर ऑफ टेंटाकल्स में चेंजेस आ गए, या बैक्टीरिया से उसके जो सीलियाज हैं उसमें चेंजेस आ गए, या फिर हाइड्रा जो है उसके टेंटाकल्स में डिफरेंस नंबर्स हो गए, या बॉडी के जो ग्रोथ है आउटग्रोथ है उसके नंबर्स सेगमेंटेशन में कोई चेंज हो गया नंबर्स में। सो ये हो सकते हैं, अर्थवार्म के जो बॉडी के ऐसे सेगमेंट्स हैं उसके नंबर्स में चेंज हो गए। सो ये नंबर्स में अगर चेंज हुआ, दैट इज़ अ मेरिस्टिक। मेरिस्टिक दैट इज नॉट रिलेटेड टू अपीयरेंस, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अपीयरेंस। अपीयरेंस जो कि सेम साइज कलर में होगा, हम काउंटिंग में करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू मेरिस्टिक। ओके, अगर कुछ एग्जांपल्स हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, दैट इज डिसकंटिन्यूअस में जो हमने एग्जांपल बताते हैं, दैट इज सब्सटेंटेटिव एंड मेरिस्टिक का। सो सब्सटेंटेटिव क्या था, अपीयरेंस में चेंज होना था ना, सो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। एनकॉन सीप जिनके शॉर्ट लेग्ड होता है वैरायटी, हेयरलेस कैट्स जिनके पूरी बॉडी में हेयर्स नहीं होंगे, या फिर डॉग्स के हेड्स नहीं होंगे वैसा, हॉर्नलेस कैटल्स, कैटल्स के हॉर्न्स नहीं होंगे, या फिर जस्ट लाइक जो पी बाल्डनेस होते हैं, दैट मीन्स बाल्डनेस पैचेस रहते हैं माइंड ब्रेन में, दैट इज़ किसी किसी मामा या फिर किसी किसी जो ह्यूमन बींग्स के पैटर्न्स होते हैं ना बाल्डनेस का, सो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बाल्डनेस का, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के जो वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है। दैट मीन्स पेरेंट्स का बाल्डनेस नहीं है बट उसके ऑफस्प्रिंग में है, नेक्स्ट जनरेशन में आ रही हैं, किसी का बीच में पैचेस है तो किसी के साइड में पैचेस होंगे। देन ब्राकीडेक्टाइली, दैट इज़ अ स्मॉल फिंगर्स इन ह्यूमन्स, आपके स्मॉल फिंगर्स को चेक कर सकते हैं, वो होता है ब्राकीडेक्टाइली, ये शॉर्ट हो गए हैं। सिनडेक्टाइली कभी कभी फ्यूज हो जाते हैं फिंगर्स, क्लैप नहीं रहते ह्यूमन विंग्स में। देन मेरिस्टमैटिक के इशू जैसे होता है ना मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो वो क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए, एपिकल ग्रोथ और रूट ग्रोथ के लिए, ऐसे होते हैं। सो यहाँ पर मेरिस्टिक ग्रोथ कैसा है, वैसे ही टाइप का है, बट यहाँ पर नंबर्स पे होगा। याद रहा
वहाँ पर जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। अगर पॉजिटिव वे में हुआ सो पॉलीडेक्टाइली जो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर और एक्स्ट्रा टू फिंगर होते हैं, लेग के फिंगर्स होते हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो हो सकता है पॉलीडेक्टाइली। बहुत सारे डिजिट्स बढ़ गए, डिजिटिग्रेटेड। एंड प्रेजेंस ऑफ सिंगल किडनी, कभी कभी ह्यूमन बींग्स में एक किडनी भी रह सकते हैं, ऐसे बेबीज भी आते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ सिंगल किडनी इन ह्यूमन, ये नेगेटिव वे में चल रहा है बट इतना है। सो इतना करने से आपको बेसिक पता चला कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या है। इसके बाद है आपका कि डिफरेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ अ जेनेटिक्स का मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, देन उसके रिलेटेड जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर कैसे होता है या क्रॉसेस कैसे होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे, जो कि कल के सेशन में उसको मैं छूने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। सो यहाँ तक आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए, नेक्स्ट मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू व्यूवर्स, एंड शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।